गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। चाय 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 हाथ में है चाय। यहाँ सबको पता चल गया कि मुझे चाय बहुत पसंद है। एवरीबडी सेज कि कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल, सो दे आर सेइंग कि आगे जब मेडोज आएंगे, इतने बड़े मेडोज कहीं नहीं होते हैं, यहीं कश्मीर में है। ये ट्रेल इतना खूबसूरत है कि हम हर 5 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रैक इज दिस, ये किसी ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। वी आर द फर्स्ट फ्यू ऑफ देम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई विल बी द फर्स्ट वन टू मेक अ व्लॉग ऑन दिस, सो आई एम सो हैप्पी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। चाय 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 हाथ में है चाय। आज की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज पीछे देखिए सूरज भगवान आ चुके हैं एंड द वेदर इज वेरी नाइस, वेरी एक लिटिल वार्म। जितनी रात को ठंडी थी उतनी अभी ठंडी नहीं है, एंड होपफुली आज हम लोग को सूर्य भगवान साथ ही देंगे। एंड ये है मेरी पहली चाय, द ब्लैक टी, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये आपको रात को जो भी कंजेशन हुआ होगा चेस्ट पे वो क्लियर कर देती है। एंड बज गए हैं सुबह के 6, मैं उठ गई थी 5 बजे, बट हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की बिकॉज इतनी ठंडी हो रही थी, मैं घुस के अंदर सोई हुई थी। बट फिर एट लास्ट हमारे टेक लीडर ने आके उठा दिया कि ब्लैक टी रेडी हो गई है, उठ जाओ। सो नाउ आई एम अप, और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बिकॉज 7 बजे तक सब कुछ रेडी होके, कपड़े अपने चेंज करके, ब्रशिंग करके, फ्रेश होके, टेंट अनपिच करके रेडी होना है। तो फटाफट मैं अपनी ब्लैक टी ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे। आलू का परांठा, ये ब्रेकफास्ट। वीरूपा जी जी, क्या है आज नाश्ते? ब्रेकफास्ट आलू परांठा अलोंग विद चटनी। आई शो यू चटनी एज वेल। हां प्लीज शो मी चटनी एज वेल। वाओ, दीजिए थोड़ी सी चटनी। देखिए और अभी सिर्फ 7:25 हुआ है एंड हम सब तैयार हैं। यू कैन सी पीछे टेंट्स भी अनपिच हो गए हैं और मैं तो गीला ही टेंट अनपिच कर दिया। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल कैंप साइट। कल हम लोग को यहाँ पे 6 घंटे लगे पहुँचने में, लास्ट का 1 घंटा वॉज वेरी स्टीप, बाकी इट वॉज वेरी नाइस।
आज का हम लोग पूछ रहे हैं तो हमें बताया नहीं जा रहा है, कहा जा रहा है कि इट्स अ सरप्राइज। एंड यहाँ पे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है अबाउट द कैंप साइट का नेम एंड ऑल दैट, बिकॉज ये नया ट्रैक है। यहाँ सबको पता चल गया कि मुझे चाय बहुत पसंद है, सो जब भी मैं ब्लॉगिंग करने जाती हूँ हमारे ट्रैक लीडर एंड बाकी ट्रैकर्स चाय 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 चिल्लाने लग जाते हैं, विच इज़ सो फनी। बट एज यू ऑल्सो नो एंड एवरीबडी नोज कि चाय की मैं दीवानी हूँ। सुबह अभी नाश्ते के साथ चाय मिली, आई एम सो हैप्पी। बिना चाय पिए तो मेरा दिन ही नहीं निकलता है। एंड आई एम ऑल सेट टू लीव। आज काफ़ी सनी है, बारिश के कोई चांसेस नहीं है। कल काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसके लिए हम लोग को पोंचो पहनना पड़ा था, बहुत कार्टून लग रहे थे पोंचो पहन के। लकीली आज बारिश नहीं होगी और आज तो हमें कोई झाड़ वाड़ भी नहीं मिलेंगे। मतलब कल जहाँ हमने पीक पे हम पहुँचे उसके बाद ट्री लाइन ख़त्म हो गया। अभी इक्के दुक्के भले हम लोग को ट्रीज मिले बट ज़्यादा नहीं। हमें मेडोज़ मिलेंगे, हम लोग को बोल्डर्स मिलेंगे और यही सब अभी, और रिवर्स मिलेंगी। सो यही सब हम लोग को हमारे ऑन द वे मिलने वाला है। बट सिंस एवरीबडी सेज कि कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सो दे आर सेइंग कि आगे जब मेडोज़ आएंगे, इतने बड़े मेडोज़ कहीं नहीं होते हैं, यहीं कश्मीर में हैं। सो इतने खूबसूरत लगते हैं वो कि आपको मन करेगा कि वहीं बैठ के कुछ देर के लिए आराम करें। एंड यहाँ पे मिल गया मुझे मेरा क्यूटी पाई। हेलो बेबी, हाय शू, डर गया भाग गया। सो निकलते हैं और फिर निकलते वक्त बताती हूँ आपको कि आगे का कैंप साइट का नाम क्या है अगर मुझे पता चला तो, और रास्ते में आपको अपडेट देती रहूँगी। सो चलिए मेरे साथ। सो हम लोग अभी अस्तार वैली जा रहे हैं और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं वहाँ से चढ़ के उस तरफ ऐसे घूम के जाएंगे एंड हमारे कैंप साइट के पास एक नदी है, उस नदी को क्रॉस करके देन हम हमारे कैंप साइट पहुँचेंगे। आज का ट्रेल दे हैव सेड बहुत खूबसूरत है। कितना किलोमीटर है ये नहीं बताया, दैट्स सरप्राइज फॉर अस, बट आई एम ऑल एक्साइटेड, वी ऑल प्रिपेयर्ड। सब एवरीबडी हैज़ अनपिच द टेंट, किचन टेंट सब अनपिच हो गया है। ऑलमोस्ट इन 10 मिनट्स हम लोग निकल जाएंगे। I'm super 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 happy. See the view. एक सरप्राइज़ मिला, हम यहाँ ऊपर पहुँचे और उसके बाद हमको हमारी ट्रेकिंग ने कहा टर्न अराउंड करो और उल्टे कदम चलो। उल्टे कदम चलने के बाद ये व्यू था, पीछे पूरा मेडो है, मैदान, एंड सो ब्यूटीफुल। सन चला गया है बट द वेदर इज रियली वेरी नाइस। अभी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ मस्ती हो गई। सो रेडी वी कैन लीव। चाय चाय चाय। चाय 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 चाय। अरे सब समोसे चाय खत्म हो गए क्या? स्पॉन्सर स्पॉन्सर आगे गया मेरा।
हेलो सर। ये हमारा पहला वाटर ब्रेक है एंड उसके पहले हमने ब्रेक लिया था टू एक्सप्लोर दैट मैदान एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर एंड सी द व्यू बिहाइंड मी। इट इज सो प्रिटी। अभी सूरज भगवान चले गए हैं एंड काफी बादल ऊपर आ गए हैं सो बारिश होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बट दिस इज सीरियसली हेवन। बहुत खूबसूरत है। लास्ट टाइम मैंने हिमाचल किया था। हिमाचल वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल बट वॉट दे से असली जन्नत कश्मीर है एंड दैट्स ट्रू। सीरियसली अभी तो हमने खाली स्टार्ट किया है। ही सेइंग ये तो कुछ भी नहीं है। आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको और खूबसूरत नज़ारे दिखते जाएंगे। आई एम सो हैप्पी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रैक इज दिस, ये किसी ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। वी आर द फर्स्ट फ्यू ऑफ देम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। आई बी द फर्स्ट वन टू मेक अ व्लॉग ऑन दिस। आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को फर्स्ट दूधपत्री में काफ़ी लोग मिले थे, उसके बाद तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं। एंड दिस इज सीरियसली सो ब्यूटिफुल एंड आई एम सो हैप्पी। पीछे देखिए बहुत सारी भीड़ है। ओ देखिए ये ट्रेल इतना खूबसूरत है कि हम हर 5 मिनट में ब्रेक ले रहे हैं। And the view is so beautiful. Endless meadows everywhere. Just see this. वो है हमारे सारे ट्रैकर्स। सब रुक रुक के फोटोज क्लिक कर रहे हैं, व्यू को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज का ट्रेल एक्चुअली छोटा है। सो आज हम लोग थोड़ा 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 इंजॉय करके जा सकते हैं। काफ़ी चढ़ाई थी तो सांस फूल गया एंड क्योंकि हम लोग 11,000 की एल्टीट्यूड पे भी हैं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होता है। बट ये नज़ारे कितने खूबसूरत हैं।